बेटियां बेटों से कम नहीं है, ऐसा ही साबित कर दिखाया जयपुर की बेटी रूबल शेखावत ने। हाल ही में आयोजित हुए फेमिना मिस इंडिया 2022 में रूबल शेखावत ने फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम कर जयपुर के टैलेंट का परचम लहराया। रूबल शेखावत ने कहा कि मेरे पिता ने मेरे सपनों को पंख दिए हैं, मेरे बचपन के सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत दी है। फर्स्ट रनर अप का ताज जीत रूबल आज जयपुर पहुंची, जहां एलीट मिस राजस्थान ने रूबल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान रूबल के मेंटर और एलीट मिस राजस्थान के फाउंडर डायरेक्टर गौरव गौड़ ने जयपुर होटल रमाड़ा में होमकमिंग सेरेमनी आयोजित की। कार्यक्रम के दौरान ढोल नगाड़ों से स्वागत किया, जहां रूबल के परिवार ने इस जीत का जश्न मनाया। एलीट मिस राजस्थान 2018 की फर्स्ट रनर अप रह चुकी रूबल ने इस दौरान बताया कि मेरे परिवार ने मेरे सपनों को पूरा करने में हमेशा मेरा साथ दिया है। एक रूढ़िवादी परिवार से होने के बावजूद मुझे मॉडलिंग जैसी फील्ड में सपोर्ट किया। तीन बहनों में सबसे छोटी जयपुर की बेटी रूबल शेखावत ने फेमिना मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतकर ये साबित कर दिखाया कि बेटियां भी अब पीछे नहीं हैं। परिवार में तीन बहनें हैं, भाई नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई नहीं है, लेकिन आज मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया है उसके बाद सभी लोग मेरे पर प्राउड फील करते हैं और मेरे पापा कहते हैं कि रूबल मेरी बेटी नहीं बेटा है। वहीं इस दौरान रूबल ने अपने अब तक के सफर और अनुभवों को साझा किया और इस दौरान रूबल शेखावत ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण से। मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था। बहुत कुछ सीखा, बहुत नए लोगों से मिली हूँ, बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसा फेज है मेरी लाइफ का जो मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो पैजेंट में अपनी फ्यूचर देखते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन सब में, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क, बहुत डिसिप्लिन और हार्डवर्क ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। मैंने 2019 में भी ऑडिशन दिया था बट मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी, बट आज मैं इस क्राउन के साथ यहाँ बैठी हूँ। तो वो जो डेडिकेशन है इतने सालों का और वो जो हार्डवर्क है उसका आज रिजल्ट मुझे मिला है। तो ये दो चीज़ें रखिए, कोई भी आपका करियर हो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आगे बताएं, क्या आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आने वाले समय में? आपने कहा कि हम तीन बहनें, लोग आपको कहते थे कि बेटा नहीं है, आपने प्रूव करके दिखाया, अब वो लोग क्या कहते हैं? अब जो स्टार्टिंग में जब करियर स्टार्ट किया था तो बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत हर्डल्स थे। लोग, जैसा कि आपने बोला, लोग बोलते थे कि हाँ बेटा होना ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन था कि मुझे सोसाइटी को प्रूव करना है कि गर्ल इज़ इक्वली, यू नो, इट्स इक्वली एज पर कम्पेयर टू बॉयज़, कोई डिफरेंस नहीं है। और आज जब मेरी, जब मैं वापस आई घर पे और मेरी माँ ने जब भी मुझे बोला कि मेरी बेटी एक बेटे से भी बढ़कर है, तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। वो मतलब वो लाइन अब तक मैं सुबह से उस चीज़ के बारे में सोच के आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन मैं कितनी खुश थी। और सारे लोग, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है तो पूरी ह्यूज फैमिली वॉज देयर फ्रॉम माई मदर साइड, फ्रॉम माई फादर साइड, और पूरे मोहल्ले के लोग सब इकट्ठे हो गए थे। वो जो खुशी थी उनके चेहरे पे, वो देख के मुझे इतना गर्व फील हो रहा था कि फाइनली आई डिड समथिंग जो सिर्फ मेरे पर्सनल और करियर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट वो मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली सबको इतना प्राउड फील करा रही है। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं? राजस्थानी सिनेमा के साथ भी काम करना चाहेंगे? डेफिनेटली जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे हमेशा से इंटरेस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग में रहा है, तो अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो ऑफकोर्स मैं काम करना चाहूँगी। मतलब मैं, जैसे मैंने बताया, सब सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, सब फूल दे रहे थे, सब कंग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, मतलब पूरा टेबल भर चुका था गुलदस्तों से और बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ आज घर पे। मतलब मुझे देख के खुद को, मुझे नहीं पता था कितने लोग आएंगे, इतने लोग इकट्ठा होंगे, सेलिब्रेट करेंगे मेरी सक्सेस को, बट उन सबके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये सुन के, ये सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि चलो जो ड्रीम मेरा था वो आज सब लोगों का, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में।